सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। आज हम आपके ध्वनियाँ और वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके जो व्याकरण में है ध्वनियाँ और वर्णमाला, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अपने नवीं कक्षा में आपने ये पढ़ा था कि हम ध्वनि किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, और हम उसके बाद वर्ण, वर्णमाला, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण इत्यादि के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। दसवीं कक्षा में सिर्फ उसका पुनरावृत्ति करेंगे और उसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं ध्वनि किसे कहते हैं, हमारे मुंह से जो बातें निकलती हैं उसके जो सबसे छोटे खंड होते हैं, जैसे कि आपका आ, ग, च, द, प आदि जो होते हैं जिन्हें हम ध्वनि कहते हैं। आप जानते होंगे जब हम भाषा बोलते हैं तो ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है। हम नवीं कक्षा में पढ़ चुके हैं भाषा किसे कहते हैं, जिसके माध्यम से हम हमारे मन की भावनाओं को, विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। जब भाषा बोला जाता है तब ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है, जब भाषा लिखा जाता है तब हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्वनि जब हम भाषा बोलते हैं और जब हम भाषा को लिखते हैं तब हमें वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन संकेत का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम वर्ण कहते हैं, और वर्ण के समूहों को वर्णमाला, अर्थात ए, अ, ग, जैसे आपके जो वर्ण हो गए, जब इनको हम इकट्ठा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो आप नवी कक्षा में पढ़ चुके हैं वर्णमाला को हमने दो तरह से विभाजित किया है, एक आपका स्वर हो गया, दूसरा आपका हो गया व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन में आप पढ़ चुके हैं कितने वर्ण आते हैं। आपके स्वर में हिंदी में 11 वर्ण आते हैं, जैसे कि आपके अ से लेके औ तक, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, रि, हिंदी में हम इसको रि कहते हैं, रु नहीं कहते हैं, रि कहते हैं। तो आपका हो गया अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने वर्ण हो गए आपके, आपके ये 11 वर्ण हो गए। अभी आइए हम व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। तो आपके जो व्यंजन हो गए, आपको याद होगा कि हम उसको क, च, ट, त, प ऐसे हमने वर्ग में बांटा था। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसको याद करने के लिए आप आसानी से याद कर सकते हैं, आपको सिर्फ याद रखना है क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प। तो क से आप क्या करेंगे, 5 अक्षर आगे चले जाएंगे, क, ख, ग, घ, ङ। वैसे ही हम च से 5 अक्षर आगे जाएंगे, च, छ, ज, झ, ञ। ट से 5 वर्ण आगे चले जाएंगे, ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर त से त, थ, द, ध, न। वैसे ही प से प, फ, ब, भ, म। ये आपके हो गए वर्ग, व्यंजन को जो हम पहले विभाजित कर रहे हैं तो वर्ग में विभाजित किया जाता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसके बाद आपको याद होगा हमने कहा था अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, आपके हो गए य, र, ल एवं व। य, र, ल एवं व, इनको हम क्या कहते हैं, अंतस्थ। तो व्यंजन में ये आपके हो गए अंतस्थ वर्ण। फिर आपको याद होगा उष्म, उष्म वर्ण आपके कौन कौन से हैं, तालवस्य, मूर्धनस्य, दंतेस्य एवं ह। तो हम कह सकते तीनों स और ह को हम उष्मक वर्ण कहते हैं। अब ये भी पढ़ चुके हैं नवी कक्षा में हम इनको उष्म वर्ण क्यों कहते हैं। इसके अलावा आपके थे संयुक्त वर्ण, उड़िया में आप जिसको बोलते हैं संयुक्त वर्ण, लेकिन हिंदी में हम तो ज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम क्या बोलेंगे इसको, संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त वर्ण आपके कौन कौन से थे, आपका एक हो गया था स्र, फिर याद कीजिए आप त्र, फिर ज्ञ एवं क्ष। तो ये सारे आपके हो गए संयुक्त व्यंजन।
या फिर हम उनको संयुक्त वर्ण कहते हैं। जब हम संयुक्त व्यंजन लिखते हैं तो हम तीन प्रकार से लिखते हैं। पहले जो संयुक्त, आप जैसे जानते हैं संयुक्त व्यंजन अर्थात इसमें दो या तीन व्यंजन एकत्र होते हैं, संयुक्त होते हैं, मिलते हैं, तो इस तरह का जो व्यंजन हम लिखते हैं आप हमेशा याद रखना। अब देखना जो दो वर्णों वाले जो संयुक्त वर्ण होते हैं उसमें जो पहले उच्चारित होता है उसका आधा लिया जाता है और जो बाद में उच्चारित होता है उसका पूरा लिया जाता है। आप देखिए आपका जो क्ष हो गया तो इसमें क्या उच्चारण पहले होता है, ये तो आपको हम अलग तरीके से इसको लिखते हैं। आप और एक उदाहरण ले लीजिए, हम लिखते हैं त्र, तो और क्या लिखते हैं हम संयुक्त वर्ण, कच्चा, कच्चा में संयुक्त वर्ण क्या हो गया च। फिर आप लिखते हैं युद्ध, जैसे संयुक्त वर्ण आप जब लिखते हैं जो अक्षर पहले उच्चारित होता है उसका आधा लिया जाता है और जो अक्षर बाद में उच्चारित होता है उसका पूरा लिया जाता है। आप देखे होंगे हम अक्षर को कैसे आधा करते हैं, जो पाई वाले अक्षर होते हैं उनका पाई हटाकर, ये च आपका पाई वाला अक्षर हो गया, तो च का अगर हम पाई हटा दे कच्चा हम कैसे लिखेंगे, तो ये चौका मैंने क्या कहा था जो पहले उच्चारित होता है तो उसका आधा, तो आधा कैसे बना गया पाई वाले अक्षर का पाई हटाकर। फिर दूसरा हम लोग क्या लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं जो बिना पाई वाले अक्षर होते हैं, देखिए ये ट वर्ग, जो देखिए ये ट वर्ग का जो ये सब कैसे होते हैं, तो ये बिना पाई वाले होते हैं, तो बिना पाई वाले अक्षर में हम लोग क्या लगाते हैं हलंत लगाते हैं, जैसे कि आपका हो गया चिट्ठी, तो ये ठी चिट्ठी, तो ये आपका संयुक्त वर्ण हो गया, तो आप क्या करेंगे जो बिना पाई वाले हैं उस पर हलन देंगे इस और दूसरे के पूरा लिखेंगे, तो ये हो गया आपका चिट्ठी। जो हुक वाले वर्ण होते हैं, हुक वाले वर्ण कौन होते हैं, क वर्ग, देखिए ये जो क अक्षर है, ये जो प अक्षर है, आपका फ हो गया, तो इनके हुक हटाकर जैसे आप लिखिए पक्का, तो क का हम लोग क्या हटाएंगे, ये आपका क हो गया या इसका हुक हो गया उसको हटा देंगे, तो ये हमने हटा दिया और दूसरे क का पूरा लिख दिया, तो आपका क्या हो गया पक्का। तो हम लोग संयुक्त वर्ण कैसे लिखते हैं, तीन तरह से लिखते हैं, पाई वाले व्यंजन का पाई हटाकर, बिना पाई वाले व्यंजन में हलंत लगाकर, और जो हुक वाले वर्ण होते हैं उनका हुक हटाकर हम लोग लिखते हैं। कुछ ऐसे संयुक्त वर्ण होते हैं जो दो व्यंजन के मेल से बनते हैं और उनको हम कैसे लिखते हैं, कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। देखिए आपका एक हो गया ट, तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं, तो ये कैसे हो गया एक ट और ट, तो आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, हमने क्या कहा था जो बिना पाई वाले हैं इसमें हलन दे सकते हैं, तो हलन दे दिया और पूरा लिख दिया। वैसे ही आप देखिए जो ये आपका हो गया, तो ये कैसे किसका व्यंजन है, ये हो गया द के साथ जब द मिलता है तो ऐसे हम लोग लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं द में हलन दे के दूसरा। तो आप लोग भी आपके जो किताब में जो जितने सारे वर्ण होते हैं संयुक्त वर्ण उसको आप देखिए और उसमें देखिए कैसे आपको लिखा गया है। और आप ये तो हो गया आपका जो हम लोग व्यंजन पढ़ रहे थे उसमें आ गया, तो आपने पढ़ा होगा और एक जो अक्षर है उनको हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह क्या होता है, ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, उन्हें स्वर में लिया जाता है ना तो उन्हें व्यंजन में लिया जाता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं अयोगवाह वर्ण। आपका हो गया अनुसार हो गया और आपका विसर्ग हो गया, इनको हम क्या कहते हैं अयोगवाह। और आपके जो स्वर वर्ण हो गया हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, हम लोग स्वर व्यंजन को स्वर वर्ण को हम दो तरीके से बांटते हैं, एक आपका हो गया हर्ष स्वर, दूसरा आपका हो गया दीर्घ स्वर। आपका जो अ हर्षई उ और री, ये आपके हो गए हर्ष स्वर, जो दीर्घ स्वर हो गए, बाकी जो स्वर वर्ण आपके बच गए कितने बच गए, आपके अभी सात बच गए हैं, आ दीर्घई दीर्घ ए ओ और ओ,
तो ये आपके स्वर और व्यंजन वर्ण हो गए। आपने नवी कक्षा में मानक और मानकेतर रूप के बारे में पढ़ा था, जो सारे सब जिसको मानते हैं, सब जिसको इस्तेमाल करते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, मानक रूप। और जो हम लोग पहले इस्तेमाल करते हैं और अभी इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता जिस रूप को, हम उसको कहते हैं मानकेतर रूप। आप नवी कक्षा में पढ़े होंगे अ र जैसे कुछ वर्ण होते हैं, उनका मानक और मानकेतर रूप होते हैं। तो आप बच्चे सोचिए हमें कौन से रूप को इस्तेमाल करना चाहिए, मानक रूप का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मानक रूप को सब मानते हैं। तो अगर हम लोग लिखेंगे तो कोई पढ़ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, तो उस मानकेतर रूप को प्रयोग करना कोई मतलब ही नहीं है। तो आप हमेशा मानक रूप का ही प्रयोग करें। तो आप आज अपने आपके हिंदी ध्वनियाँ और वर्णमाला के बारे में जाने। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।